हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिजाइनर में। आज हम आपको कुर्ते की एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके बहुत ही काम आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुर्ते की कटिंग पहले से ही कर ली है और इस तरह से कटिंग करने के बाद ये कुर्ते का उल्टा वाला हिस्सा है और उल्टे वाले हिस्से में सबसे पहले हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे। और जो आज का टॉपिक है हमारा, वो रहने वाला है कुर्ते के बीच के यहाँ से कपड़ा क्यों निकाला जाता है और वो कपड़ा क्या होता है, हम आपको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निशान लगा कर देखते हैं, जिस भी साइज का आप गले का तावीज बनाएं उसी के बराबर यहाँ निशान लगा लें। हम इस जो तावीज बनाने वाले हैं वो बनाएंगे यहाँ पर 11 इंच का, और 11 इंच पर यहाँ निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे और ये जो हिस्सा है हमारा, ये सीधे वाला है और ये है हमारा उल्टा वाला हिस्सा। तो हमें सीधे वाले हिस्से को ऊपर रखना है और उसके बाद यहाँ से ये देखिए, आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा हिस्सा है, कपड़े को इस तरह से बिछा ले और यहाँ से तकरीबन आधा इंच या फिर 2 सूत के लगभग यहाँ से हमें एक पतली सी पट्टी को निकालना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पट्टी हमने निकाल ली है और आज का जो हमारा टॉपिक यही है, ये पट्टी हम क्यों निकालते हैं, इसको निकालने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से पट्टी निकालने के बाद यहाँ पर हमने एक ताबीज के लिए पट्टी ऑलरेडी चिपका ली है और ये दूसरी वाली जो पट्टी हमारी है ये रह जाएगी हमारी बटन वाली टेप की तरफ। तो इस तरीके से दोनों पट्टियाँ चिपकाने के बाद हम इसकी सिलाई करते हैं और सिलाई करने में हम आपको बताते हैं इस कपड़े को निकालने से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए दोस्तों, कुर्ते को इस तरह से बिछा लेना है और सबसे पहले हम बटन पट्टी को बनाते हैं। और ये जो बटन पट्टी हमारी, एक साइड हमने इसको किनार से चिपकाया है, दूसरी तरफ इसका सादा वाला कपड़ा है। तो सिलाई करें हम सादे वाले कपड़े की तरफ और जो हमारे किनार रह जाएगी वो बाहर नज़र आ जाएगी और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई ख़त्म करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से जो धागे हैं इनको भी निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ से इसको हल्का हल्का सा चिराई करेंगे नीचे तक और उसके बाद ये जो कपड़ा है हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पर किनार पर सिलाई लगा लें, आप चाहें तो इसकी जड़ में सिलाई लगा लें, दोनों ही तरीका बेस्ट है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे किनारे सिलाई। इस तरीके से देखिए, ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से उल्टा बिछाएंगे और उल्टा बिछाने के बाद ये हमने जो कच पट्टी चिपकाई है, यानी फैशन पट्टी जिस कपड़े में चिपकाई है, इसको यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो अंदर का कपड़ा है इसकी कर लेंगे कटिंग और इसके बाद जो इसके धागे हैं इनको भी साफ कर लेंगे और यहाँ से फिर इसको फिर से इस तरह से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिलाई लगाई है हमने, इसको ऊपर इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और इस तरह से इसको सीधा करने के बाद जो एक कुर्ता है हमारा, इसको सीधी तरफ से बिछाएंगे और ये जो हमारी पट्टी है इसको इस तरह से सीधा करने के बाद इसके ऊपर जमा लेंगे जहाँ पर भी ये सेट हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो गई है और जहाँ पर भी हमारा जॉइंट है, ये वाला जॉइंट है हमारा, इसके ऊपर ये जो हमारा जॉइंट है इसके आधा इंच ऊपर के लगभग हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ से बिल्कुल सीधी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ताबीज बिल्कुल बना लिया है कंप्लीट और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ताबीज है बिल्कुल फिनिशिंग से बना है। और ये तो ताबीज की यहाँ पर हमने नोक बनाई है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में है। हमने पहले इस कपड़े का यहाँ पर सेंटर से प्रेस से इसका सेंटर कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नोक है जो बिल्कुल इसके सेंटर में है और पूरे ताबीज में आपको कहीं भी कोई घुमाव नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारा ताबीज है। अब दोस्तों, जो हमने कपड़ा निकाला है उससे फ़ायदा क्या हुआ, आपके सामने हमने कपड़ा निकाला है यहाँ से तकरीबन 2 सूत के लगभग, आप देख सकते हैं इतना कपड़ा हमने यहाँ से एक्स्ट्रा है जो निकाला है। अब देखिए ये जो हमारी जो ये यहाँ पर नोक आ रही है वो आ रही है यहाँ पर इस तरीके से,
अगर हम जो कपड़ा नहीं निकालते और बिना कपड़े के ही अगर इसी नोक को बनाते तो हमारा तावीज़ है यहाँ पर इस तरीके से आता। आप देख सकते हैं इसमें इतना फ़र्क हो जाता। यहाँ देखिए आप इसका जो फ़र्क देख सकते हैं 1.25 इंच के लगभग हो जाता। तो हमने उसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बीच से कपड़ा निकाला है और उसके बाद जो तावीज़ हमारा बिल्कुल सेंटर में बना। कपड़े को निकालने से ये फ़ायदा होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा जो हमने आपको तरतीब बताई है और जो आपको ये चीज़ बताई है आपके ये बहुत काम आएगी और आप इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कोई इसी तरीके का नया अगला टॉपिक लेकर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।